1809 में आज ही के दिन फ्रांस के एक छोटे से गांव कुप्रे में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। 4 जनवरी को लुई ब्रेल की याद में लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों के पढ़ने की कठिनाई को मिटाने वाले लुई स्वयं भी नेत्रहीन थे। लुई ब्रेल ने 8 वर्षों की कड़ी मेहनत से ब्रेल लिपि में अनेक संशोधन किए और आखिरकार 1829 में 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि बनाने में सफल हुए। 1837 में फ्रांस का संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक भी ब्रेल लिपि में छापी गई थी, लेकिन फिर भी दुनिया ने इसे मान्यता देने में बहुत समय लगाया। सन 1854 में लुई ब्रेल की मौत के 2 साल बाद फ्रांसीसी सरकार ने इसे सरकारी मान्यता प्रदान की। ब्रेल लिपि की असीम क्षमता और प्रबल प्रभाविकता के कारण 1950 के विश्व ब्रेल सम्मेलन में ब्रेल को विश्व ब्रेल का स्थान मिल गया। 1958 को आज ही के दिन सर एडमंड हिलेरी दक्षिण ध्रुव पहुंचे थे। 1912 में कैप्टन रॉबर्ट एफ स्कॉट के अभियान के बाद ऐसा करने वाले वो पहले अन्वेषक थे। न्यूजीलैंड के रहने वाले हिलेरी और उनकी टीम ने 113 किलोमीटर की यात्रा खराब मौसम में तय की थी। वर्ष 1953 में सर एडमंड हिलेरी और शेरपा टेंजिंग नार्गे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। इस अभियान दल का नेतृत्व जॉन हंट ने किया था। अभियान से लौटने के बाद हिलेरी और हंट को ब्रिटेन में नाइट की पदवी से सुशोभित किया गया। एवरेस्ट के अभियान के बाद सर एडमंड ने कई दूसरे अभियानों में हिस्सा लिया। इनमें 1958 की दक्षिणी ध्रुव की यात्रा भी शामिल है। सर हिलेरी ने 1961 में शेरपा लोगों के लिए एक चिकित्सीय और शैक्षणिक ट्रस्ट की स्थापना की। वर्ष 1984 से 1989 तक सर हिलेरी भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त रहे। 1990 में आज ही के दिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पास सांगी गांव में 2 ट्रेनों की भयानक टक्कर हुई थी। मुल्तान और कराची के बीच चलने वाली जकरिया बहाउद्दीन ट्रेन जब सिंध प्रांत के सांगी गांव के नजदीक पहुंची तो उसे बिना बताए किनारे वाली पटरियों पर भेज दिया गया। इस नए ट्रैक पर पहले से 67 डिब्बों वाली मालगाड़ी खड़ी थी। ट्रेन की रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब थी। सबसे पहले ट्रेन के इंजन ने मालगाड़ी को टक्कर मारी। टक्कर के बाद इंजन पटरी से उतर गया। उसके बाद साथ के 3 और डिब्बे भी पलट गए। इन तीनों डिब्बों में सवार ज्यादातर यात्री या तो मारे गए या फिर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस दर्दनाक हादसे में 300 से ज्यादा लोग मारे गए और 700 यात्री जख्मी हुए। खबरों में बताया गया कि सिग्नल मैन की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ था। सिग्नल मैन को उसके दोष के लिए सजा भी हुई। 1994 में आज ही के दिन मशहूर संगीतकार आरडी बर्मन का निधन हुआ था। पंचम दा के नाम से मशहूर आरडी बर्मन बॉलीवुड के 100 सालों में सबसे मशहूर संगीतकार थे। पंचम दा जब 9 वर्ष के थे तो उन्होंने अपनी पहली धुन बनाई। इस धुन को फिल्म फंटूश के गाने ए मेरी टोपी पलट किया में इनके पिता ने इस्तेमाल किया था। इन्हें संगीत की प्रयोगवादी धुनें बनाने के लिए याद किया जाता है। इनकी धुनों में पश्चिमी संगीत का भारतीय संगीत के साथ संगम होता है। इनके ज्यादातर गाने आशा भोसले और किशोर कुमार गाते थे। इन गानों ने आशा और किशोर को खूब ख्याति दिलाई। फिल्म शोले का महबूबा महबूबा गाना पंचम दा ने खुद गाया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। और 2010 में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का उद्घाटन हुआ था। दुबई में $8 अरब की लागत से 6 साल में निर्मित 828 मीटर ऊंची 168 मंजिला दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसमें तैराकी का स्थान, खरीदारी की व्यवस्था, दफ्तर, सिनेमाघर सहित सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसकी 76वीं मंजिल पर एक मस्जिद भी बनाई गई है। इसे 96 किलोमीटर दूर से भी साफ साफ देखा जा सकता है। इसमें लगाई गई लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट है।